आगामी 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 16 और कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की सूची कल देर रात जारी कर दी है। कांग्रेस की सूची में छत्तीसगढ़ से पूर्व सांसद राजीव शुक्ला के साथ कांग्रेस प्रवक्ता रंजीत रंजन को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों ही उम्मीदवार छत्तीसगढ़ के बाहर से हैं। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़िया उम्मीदवारों की उपेक्षा की गई है। अनुसूचित जनजाति के रामचार जी नेतांत थे और दूसरे सीट पिछड़ा वर्ग के, इन दोनों सीटों पर उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ से लोगों का चयन होगा, लेकिन जो स्थिति सामने में है, छत्तीसगढ़ के लोग चले गए हैं, कांग्रेस के द्वारा ही कांग्रेस के लोग चले गए। 3.25 करोड़ की आबादी, लेकिन एक राज्यसभा बन जाए उसके लायक उनकी योग्यता कांग्रेस को दिखाई नहीं दी। गौरतलब है कि प्रदेश से राज्यसभा प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम सांसद हैं। यहां के 90 सदस्य विधानसभा में 71 सदस्य कांग्रेस के हैं। विधानसभा सीटों के हिसाब से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का चुना जाना तय है।